दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिक्वेस्ट नेटवर्क के आरिको कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में कॉइन के टारगेट्स करेंगे। 0.15 से ऊपर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट कल से अभी तक इस कॉइन में देखने को मिला, जहां पर कल से अभी तक 35% से ज़्यादा का मूवमेंट और पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर ये कॉइन अच्छे ब्रेकआउट्स ले रहा है। अभी इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे, कहाँ तक प्राइस जा सकती है, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल्स, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 0.152 पर अभी कॉइन ट्रेड कर रहा है, 17 वाला लेवल इस कॉइन ने नाइट के टाइम में ट्राई किया, 13 वाले लेवल से मूव करना स्टार्ट किया था रिसेंटली, जहां पर इस कॉइन ने 0.23 वाला लेवल मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग में ट्राई किया था, वहां से बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, 10 तक का लो बनाया और रिसेंट वाला जो लेवल है 11 वाला लेवल, उस लेवल से अच्छी रिकवरी अभी तक हमें इस कॉइन में देखने को मिली है। ये कॉइन एक क्विक रिकवरी कॉइन है, ओवरऑल बुलिश कॉइन है और कुछ डे डिस्टेंसेस पर इस कॉइन में अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो रिसेंटली यहाँ पर इस कॉइन में मार्च मंथ में बड़ा ब्रेकआउट था, 100% तक का ब्रेकआउट था। इससे पहले यहाँ बीच में अच्छे खासे ब्रेकआउट 0.0716 वाले लेवल से फरवरी मंथ में हमने ब्रेकआउट देखा, उसके पहले हाँ ब्रेकआउट देखा, लेकिन जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद इस कॉइन में जो डेली क्लोजिंग है, उसके नेक्स्ट डे की जो 3-4 दिन की डेली क्लोजिंग है, वो उतनी अच्छी स्टेबिलिटी मेंटेन ये कॉइन नहीं करता है। रेड कैंडल्स देखने को मिलती है, डंप देखने को मिलता है। प्रीवियस हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2023 के एंड से अगर बात करें या फिर उससे पहले के टाइम फ्रेम से भी अगर हम बात करें, तो जिस भी कैंडल के अंदर बड़ा ब्रेकआउट हुआ है डेली के अंदर 50% 40% तक का, यहाँ अगर आप देखें तो 0.070 ग्राउंड से ब्रेकआउट हो 1098, उसके 3-4 दिन बाद ही इस कॉइन ने वापस उसी लेवल तक ट्राई किया। यहाँ देखें तो यहाँ भी अच्छा ब्रेकआउट था, यहाँ अगर बात करें तो 0.065 ग्राउंड से ब्रेकआउट था 12 तक का, 100% का ब्रेकआउट, उसके बाद में लगातार इस कॉइन ने ड्रॉप लिया और वापस से इस कॉइन ने 0.064 का लो बनाया। यहाँ ब्रेकआउट और उसके बाद ड्रॉप, यहाँ ब्रेकआउट उसके बाद ड्रॉप, यहाँ ब्रेकआउट उसके बाद ड्रॉप, लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर इस कॉइन ने कुछ लेवल्स मेंटेन किए, लेकिन उतने अच्छे लेवल्स इस कॉइन ने अभी तक मेंटेन नहीं किए कि बड़ा ब्रेकआउट है 50% का और नेक्स्ट डे में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिला। हालांकि ये तो एक 20-30% का ब्रेकआउट है, तो अभी तो ये कॉइन यहाँ से मूव करेगा 1820 तक, इसको कोई भी इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल नहीं है, ये कॉइन 20 तक अनस्टॉपेबल रहेगा, बैक टू बैक मार्केट के मूवमेंट के साथ में मूव करेगा। तो लेकिन हमने जो आपको पिछला वीडियो 10th of February को शेयर किया था, जिसमें यहाँ ब्रेकआउट था और अपडेटेड लेवल्स शेयर किए थे, वहाँ पर क्विक टारगेट 1618, शॉर्ट टर्म में 20 तक का टारगेट बताया था, उन लेवल्स को इस कॉइन ने हिट किया और आप में से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने उस वीडियो को वॉच करके प्रॉफिट जनरेट किया। तो जिन्होंने भी पिछले वीडियोज़ के थ्रू प्रॉफिट जनरेट किया है, वो यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं, या किसी भी टाइप से हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले टेक्निकली अगर बात करें तो 0.153 के अराउंड ये कॉइन ट्रेड कर रहा, क्लोजिंग जो है वो 15 से ऊपर हुई है और यहाँ पर 15 पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको इस कॉइन ने डेली में सपोर्ट बना लिया है। सिर्फ आज ये कॉइन 15 से ऊपर मेंटेन रहता तो ये सपोर्ट जो है वो इस कॉइन के लिए मेंटेन रहेगा। 125 वाला जो लेवल है, यहाँ नीचे की तरफ सपोर्ट था और अभी ऊपर की तरफ 18 के अराउंड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और वीकली के चार्ट में जाएं तो वीकली के अंदर अगर बात करें तो 0.15 वाला जो लेवल है, वो 16 वाला लेवल, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वीकली के अंदर, जहाँ से इस कॉइन को प्रीवियसली रिजेक्शन फेस करने को मिला और अभी भी थोड़ा सा रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता 16 वाले लेवल से। सपोर्ट एरिया की अगर बात करें 0.128 वाला जो लेवल है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वीकली के अंदर, 0.128 सपोर्ट है और 0.16 रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर पिछले वीक की अगर हम बात करें तो वो इस कॉइन ने 1.2 से नीचे क्लोज किया है, लेकिन अभी ये 1.28 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस वीक में ये कॉइन 1.28 से ऊपर क्लोज कर लेता तो ये जो सपोर्ट है ये मेंटेन रहेगा, और जैसे ये कॉइन 1.6 से ऊपर वीकली क्लोज करता है तो वापस से इसकी प्राइस में एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, जो कि 2.0 से लेके
2224 तक का रहेगा, वहाँ तक ये इस कॉइन का टारगेट जो वो क्लियर हो जाएगा। 999 मिलियन की सप्लाई के साथ में ये कॉइन 344 रैंक का कॉइन है, 151 मिलियन USD की इसकी मार्केट कैप है और एक मिड कैप कॉइन है ये। यहाँ से टारगेट्स की बात करें, क्विक टारगेट्स की, जिन्होंने भी इस कॉइन को अभी रिसेंटली बाई किया है उनके लिए 0.165 वाला जो लेवल है वो क्विक टारगेट रहेगा, जिसको ये कॉइन अभी मूव करके हिट करेगा, जहाँ पर आपको 60% टोकन सेल करने हैं। जो भी कॉइन्स आपने यहाँ बाई किए हैं उसका 60% 0.165 पर, और सेकंड टारगेट रहेगा 0.178, जहाँ पर बाकी 40% पार्सल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो में 165 और 178 पर सेल करना है। देखिए, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, ये कॉइन में हाईली वोलेटाइल है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलती, तो ये कॉइन हो सकता 1.4 तक ट्राई कर ले यहाँ से, उसके बाद मूव करें। लेकिन ये जो टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं इनको ये कॉइन आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, 5 दिन के अंदर हिट करेगा ही। यहाँ से कल भी हिट कर सकते हैं, फिर एक दो दिन आपको वेट करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 4-6 वीक एटलीस्ट, या 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक का, वो यहाँ से 0.195 से लेकर 20 तक का टारगेट रखेंगे, जहाँ पर आपको 100% पार्सल आउट करना है, उस लेवल के आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, एक ओपन नेटवर्क है ऑल पेमेंट्स के लिए, तो पेमेंट्स रिलेटेड क्रिप्टो नेटवर्क है जो कि एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में भी ये कॉइन मेंटेन करेगा आपके पोर्टफोलियो में। जिन्होंने प्रीवियस ब्रेकआउट में इस कॉइन में जल्दीबाजी में ऊपर बाई कर लिया था 1820 या ऐसे किसी लेवल पर जहां से आपका पोर्टफोलियो 30-40% डाउन है, तो अपनी बाइंग प्राइस पर सेल लिमिट लगा करके रिकवरी पर फोकस करें। अगर आपने 1820 पर बाई किया, क्योंकि वहां आपको वहां से प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना है, वहां से आपको रिकवरी पर फोकस करना है। अगर आप वहां से प्रॉफिट पर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा टाइम वहाँ से रिकवरी के लिए वेट करना पड़े, यानी कि 2022 तक प्राइस गई, वहाँ से वापस ड्रॉप हो गया, आप स्टक हो जाएंगे और लंबे टाइम में आपको रिकवरी के लिए वेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिन्होंने एंट्री नहीं ली, एंट्री के लिए भी अभी आपको वेट करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियोस पे एजुकेशन पर्पस से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।